अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग गाड़ी पे बैठे हैं, शाम के बज रहे 5:30 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। उज्मा है नानी के उधर पे। चलिए आज हम लोगों के साथ आप लोग नज़ारे लीजिए। दिन के असर से मगरिब के बीच का वक्त है और हम लोग जा रहे हैं अभी मलाड मार्केट। तो चलिए रास्ता भी दिखाती हूँ और सस्ता सस्ता सामान भी दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ का कब्रिस्तान है, चारकोप नाका बोलते हैं इसको, कब्रिस्तान है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ, तो इसलिए मैंने वो कर लिया। तो ऐसा है और बस अभी हम लोग जा रहे हैं मलाड़। और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो हम लोग को डर भी लग रहा है थोड़ा सा। और ये देखिए, ये फनस का प्लांट, तो मुझे दिखा तो मैंने ये भी दिखा दिया आप लोगों को। यहाँ पे बारिश आ गई थी तो हम लोग ये शॉप के पास खड़े हो गए। मैंने डर ही रही थी कि बारिश आएगी, और बारिश आई इतने ज़ोर की आई कि हम लोगों को यहाँ खड़े रहना पड़ गया। तो बस यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, बस यहीं करीब में है। बट लेकिन भाई ये पैटर्न है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले से देख रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ना ये साड़ी अच्छी लगी। इसमें कोई कलर है क्या? ये वो ब्लू वाली जो अम्मी के लिए है ना, क्या प्राइस है इसका? ये वाली साड़ी बता दो। कलर है इसका? फैंसी में जॉर्जेट फैब्रिक में नहीं आता है क्या दिमाग? इसमें कलर
सो फाइनली मैंने चार साड़ी ले ली हूँ, चार साड़ी जिसमें से एक ये कलर है, मतलब ये कॉपर कलर है, एक गोल्डन कलर की ली है मैंने और एक रेड कलर की और एक वो डबल शेडेड कलर की। घर पे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये मैंने यहाँ से लिया है नटराज मार्केट, मलाड नटराज मार्केट, मच्छी मार्केट के पीछे वाली गली में से। तो यहाँ से अच्छी खासी सस्ती साड़ियाँ मिल जाती है और मुझे बहुत अच्छे में ये साड़ियाँ मिली है कम बजट में। बट सॉरी गाइस, मैं ना बजट मतलब एकदम क्लियर नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे ये साड़ियाँ ना गिफ्ट करना है तो ऐसा है। तो देखिए मैंने ये वाली सारी साड़ियाँ ली है, घर पे जाके मैं खोल के सारी दिखा दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये सूट मुझे पसंद आया था बट इसका जो दुपट्टा है ना ये मुझे खास पसंद नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लिया। इस पर कसब का काम है, फिर बाद में ये गले पर चुभता है तो इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं ली। तो ऐसा है। और यहाँ से हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे लगी है चाय की तलब, तो हम लोग जस्ट बाहर निकलेंगे, नागोरी से चाय पियेंगे और कुछ पैसे भी निकालने थे एटीएम से, तो बाबू एटीएम जाएंगे पैसे निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे मार्केट में जब मैं शॉपिंग कर रही थी यहाँ पे मैं आप लोगों को साड़ियों के प्राइजेज़ बताने वाली थी बट मैंने प्राइजेज़ नहीं बताया बिकॉज गिफ्ट है यार, समझने की कोशिश करो। बस ऐसा है ना कि मतलब प्राइजेज़ मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी, फंक्शन निकल जाए ना उसके बाद मैं आप लोगों को प्राइजेज़ बता दूंगी कि मैंने चारों साड़ी कितने की ली है। ओके, और हम लोग यहाँ पे चाय की शॉप पे पहुँच गए, अभी हम लोग चाय पी लेंगे। और पता है चाय पीने के बाद जब बाबू एटीएम जाएंगे ना तब मुझे मिलेंगे मेरी एक प्यारे से सब्सक्राइबर जो उम्र में माशाल्लाह मुझसे बहुत बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो जिता रहते हैं। अभी आप लोग वही क्लिप देखोगे। देखो मैं यहाँ पे खड़े रह के वेट कर रही थी बाबू का और वो मुझे मिले। हाँ चलेगा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाजिया से मिलके बहुत अच्छा लगा और आज मैं उससे बहुत याद भी कर रही थी। एक्चुअली मेरी एज 50 साल है, मैं आप तुमसे और आपसे भी बात कर सकती। चलेगा चलेगा बेटा, समझ के बात कीजिए आप मुझसे। मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा नाजिया से, मुझे ऐसा लगा कि ना मैं आज कुछ और मांगती तो मुझे मिल जाता लेकिन मुझे नाजिया मिल गई। ये मेरे ब्लॉग देखते हैं रोज और मैं मेरा मोबाइल कहाँ चला गया यार, ढूंढ लीजिए। और है ना मैं रोज़ रात में इनको देखती हूँ, इनका बेटी के साथ में, इनके बाबू के साथ में, इनके अम्मी अब्बा के साथ में, सबके साथ। अब फिर मैं सोती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया इतना प्यार करने के लिए। बस मैं यहाँ पे खड़ी थी वेट कर रही थी बाबू का, तो है ना ये यहाँ पे मिल गए तो बस वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। तो मैंने पूछा उनको कि आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हो, तो बोले हाँ वही बाबू अपना फ़ोन ढूंढ रहे। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ तो हमारी अच्छी खासी माशाल्लाह शॉपिंग हो गई है। मैंने उज़्मा के लिए भी, उसके लिए भी बहुत सारे कपड़े खरीदे, उसके शूज़ वगैरह खरीदे। हाँ मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बारिश ऐसी हो रही है ना कि मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कैप्चर किया। देख रहे हो ना आप बारिश हो रही है। और ये है मलाड मार्केट का मेन रोड, कस्तूरबा थिएटर के बाहर वाला, यहाँ पे दी मॉल भी है। तो यहाँ पे हम लोग आए एनवलप देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने अपने भाइयों के लिए ड्रेस नहीं खरीद पाई ना, मुझे गिफ्ट करना था उन लोगों को बट टाइम की शॉर्टेज भी और ऊपर से मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है लोगों के लिए क्या लूँ। तो बट उन लोग से मैं तो ड्रेस खुद से खरीदवाऊँगी, हाँ नहीं तो क्या। तो ऐसा है।
अभी गौर से सुनिए मेरी बातों को, एकदम गौर से सुनना। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वापस वही क्वेश्चन मत करना प्लीज़, ओके। तो अभी यहाँ पे मैं अम्मी के घर पे आई हूँ उज्मा को लेने, तो ऑब्वियसली वो लोग मेरी शॉपिंग देख चुके कि मैं क्या लेके आई। तो मैंने उनको खोल के बताया, और मेरी पहले से आदत है कि मैं कुछ भी लाऊँ तो सबसे पहले उन लोगों को खोल के दिखाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे बात ये, ध्यान से सुनना, अम्मी मेरी जो भी शॉपिंग देख रहे हैं, जीनत देख रही है, नूर देख रही है, सब बैठे हैं घर के अंदर, लेकिन किसी को पता नहीं था उतने वक्त पे जब उन लोग ये देख रहे थे कि ये साड़ी उनके लिए ही है, उन लोगों को ही देने वाली हूँ। जब आप लोगों के साथ वो लोग ये ब्लॉग देखेंगे तब उन लोगों को पता चलेगा, हाय ये साड़ी हम लोगों के लिए ही लाई थी नाजो ने। बट यहाँ पे मैं उन लोगों को ये बोल रही थी, अम्मी देखो मैंने ये साड़ी लाई, बताओ ना तुमको कौन सी अच्छी लगी, ए नूर बताना तुझे कौन सी अच्छी लगी, जीना तुझे कौन सी अच्छी लगी, ऐसा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन किए जिससे मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सी साड़ी किसको गिफ्ट करनी है, ओके। तो यहाँ पे वो चल रहा था तो मुझे समझ आ गई। यहाँ पे मैंने चार साड़ियाँ जैसे देख रहे हो आप, एक ये सामने रखी हुई है मेटालिक कॉपर कलर की है जिसमें वेलवेट का काम किया गया है, ये जो सामने मेरे सामने जो रखी हुई है, और एक ये रेड है जिसमें ब्रॉड बॉर्डर गोल्डन वर्क किया गया है, पैच लगा हुआ है उस पर, और एक ये जो है डबल शेडेड है ऑरेंज और रेड कलर का, डे नाइट कलर है उस पर, ग्रे कलर का दूसरा कलर है, वो भी बहुत हैवी बॉर्डर साड़ी है वो। उसकी मीरी जब डाला था ना शॉप वाले ने तो बहुत एक ही नज़र में मुझे पसंद आ गई वो साड़ी सारी, ओके। तो और एक चौथी साड़ी कौन सी थी, वो जो गोल्डन कलर की वो साइड पे रखी है लेफ्ट हैंड की साइड पे अम्मी के हाथ की तरफ, वो साड़ी तो पूरा सेल्फ वर्क में है, मतलब वो कॉपर एंड गोल्डन कलर का मिश्रण है, बट वो साड़ी एकदम ही अलग है, सबसे लाइट वेट और अच्छी एकदम डिसेंट क्लासिक साड़ी मुझे वो लगी है। और वो साड़ी मैंने सोची थी कि मैं अम्मी को दूंगी, और एग्जैक्टली वही हुआ, अम्मी को पसंद भी वही आई है। लेकिन उन लोगों को उतने वक्त पे पता नहीं था जब वो लोग साड़ी देख रहे हैं कि ये साड़ी मैंने उन लोगों के लिए ही लाई है। तो ऐसा है, यहाँ पे तीन साड़ी उन लोगों ने चूज़ कर लिए है, और भी कौन कौन सी साड़ी किसने चूज़ किया है ये कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी, जब मैं बिरयानी की दावत दे रही हूँ ना खुशी में, तो तब मैं जिसको जो साड़ी दूंगी ना मैं आप लोगों को बता के दूंगी कि कौन सी साड़ी मैं किसको दे रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे चार साड़ी है और देना ये तीन लोगों को, और मुझे एक भी साड़ी नहीं, तो चौथी साड़ी मैं किसको दूंगी और कौन सी बच रही है ये मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने एक पठानी का कपड़ा भी लाया है, और एक सूट भी लाया है ड्रेस पीस, मामू मोमानी के लिए भी लाया है। तो ऐसा है, और यहाँ पे मैं बता रही हूँ अभी बस करो मैं बोल रही हूँ, साड़ी देख कर हो गया, कब से देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी बच्ची का भी कपड़ा देख लो, मैं सबको वही बोल रही हूँ। तो ये व्लॉग अच्छा खासा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को है ना डिडक्ट भी किया, काटा भी, लेकिन फिर भी ये लंबा होगा मुझे पता है, बिकॉज मेरी खुशी है जो मैं आप लोगों के साथ जाहिर कर रही हूँ, अपनी खुशी बता रही हूँ। और ये वक्त मेरी ज़िंदगी में बहुत सालों बाद आया है, पता है मैं आज से 3-4 साल पहले, मतलब शादी के पहले जब मैं जॉब पे जाती थी ना, तो मैं जो मुझे घर वालों के लिए ख़रीदना होता था बेझिझक खरीदती थी, मतलब जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी महीने की मैं उसको सेव करके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ खरीदती थी। बट अब ऐसा नहीं था, शादी के बाद ज़िंदगी को एडजस्ट करना पड़ा, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले ये सोचना पड़ता था ये पैसा मेरे घर के लिए काम आएगा, ये ऐसा वैसा, और यही सोच आगे भी होगी मुझे पता है। लेकिन ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी जिससे मुझे थोड़ी खुशी हासिल करनी थी, तो मैंने जो मेरे बीत गया पल जो बहुत दिन बाद आज वापस आया कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाई या कुछ खरीद पाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे ये है उज्मा का कपड़ा, तो ये भी, और ऐसी अगर आप लोग दुआ करोगे और ऐसी मुझे प्यार करोगे तो इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसी सबके लिए करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे अम्मी वो जो साड़ी देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर, वो रेड कलर की, रेड और एक लिया है मैंने ग्रे कलर की कुछ है, ये दोनों मैंने मतलब मेरी नानी और मेरी दादी इन लोगों के नाम से लिया है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्रेप की साड़ी है वो, तो उनके नाम से मैं ये किसी को दे दूंगी। और ये मेरा हमेशा से था, जब भी मेरी फर्स्ट सैलरी जॉब की आई थी तभी भी मैंने मेरी दादी और मेरी नानी के लिए मतलब किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह दिया, तो हमेशा मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के बारे में और सबके बारे में सोचूंगी, ऐसा है। और यहाँ पे मैंने उज्मा के लिए कपड़े वही लाई हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, जो ड्रेसेस सरफराज ने लेके आया था और जो बैग घूम गया, डंगरी, जंपसूट, कैप, शूज़, उसका शूज़ नहीं देखे आप लोग ने ब्लू वाला, वो एग्जैक्टली सेम मैंने ढूंढ के लाया उसके लिए वही वाला। और ये जो रेड वाला शूज़ देख रहे हो वो भी सेम वैसा ही है जो मैंने पहले
सरफराज ने लाया था और जो हमसे घूम चुका है, तो ऐसा है। तो अम्मी को खुशी हुई कि मैं खुश हूँ, लेकिन उन लोग को अभी भी ये नहीं पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लाई हूँ, बस लाई हूँ ये बताया है मैंने। तो ये ब्लॉग तो आज देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना क्यों लाया। और वैसे भी वो कल बोल ही रहे थे, क्यों इतना खर्चा कि तूने, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अक्ल नहीं है तुझे, ये वो तो चालू ही था अम्मी का बीच बीच में। लेकिन उनको पता ही नहीं है ना मैं क्या कर रही हूँ, क्यों लाई इतना सब कुछ। और मुझे पूछ भी रहे, इतनी साड़ियाँ तू पहनेगी, लेके तो आ गई है, जैसे तूने पिछले साल ली थी 3 साड़ी वो अभी तक रखी हुई है, तूने पहनी नहीं, वही चालू था उनका। मैं बोली हाँ अम्मी मैं पहनूंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा बोल के वहाँ से निकली हूँ। ये देखो मेरे हाथ पैर देखो, अरे अम्मी मैं पहनूंगी ना, अरे तुम क्या सोच रहे हो, मैं पहनूंगी इसके लिए तो लियूँ ना, क्या क्या बोली हूँ मैंने, मेरे को पता है। लेकिन अभी ये ब्लॉग देखेंगे तो सारा भांडा फूट जाएगा। तो चलो वैसे भी आज नहीं तो कल फूटना ही है। और बस अब घर पे मिलती हूँ। हेलो हेलो तो हम लोग आ गए घर पे, तो देखे आप लोगों ने मैंने आज शॉपिंग की। मैं आप लोगों को ना क्लियर बता नहीं पाई, बात करने देना पापा, बात करने देना टकले में को, बात करने देना। तो मैं क्लियरली आप लोगों को बता नहीं पाई कि मैंने क्या क्या लेके आई। एग्जैक्टली सब कुछ देख लिया आप लोग, लेकिन ये नहीं बता पाई कि मैं कौन सी चीज किसके लिए लाई हूँ, ठीक है। और ये तो किसी को भी नहीं पता, मैं वहाँ पे अम्मी के घर पे सब खोल के बैठी, और उन लोग को भी नहीं पता कि वो ये व्लॉग के साथ उन लोग को पता चलेगा कि जो वो लोग देख रहे थे वो उन लोगों के लिए ही लिया गया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने नहीं बताया, मैं सिर्फ ये बताई कि मैंने ये सामान लाई हूँ, कौन कौन सी अच्छी लग रही है, अच्छा तुमको कौन सी अच्छी लगी, अम्मी नूर तुझे कौन सी अच्छी लगी, जिनी तुझे कौन सी अच्छी लगी, ऐसा करके मैंने पूछा। लेकिन इससे मुझे अंदाजा बैठ गया कि कौन सी किसको लेनी है साड़ी, है ना। बट उन लोगों को पता नहीं था जब मैं उन लोगों को दिखा रही थी, बट ये व्लॉग के साथ कल उन लोगों को पता चल जाएगा कि हाय ये तो हम लोग के लिए ली गई थी। तो ये है सरप्राइज, और सरप्राइज तो कुछ रहा नहीं, ये व्लॉग उसी दिन जाएगा जिस दिन फंक्शन है, जिस दिन मैंने बिरयानी की दावत दी और जिस दिन मैं ये गिफ्ट देने वाली हूँ, तो उसी दोपहर में ये व्लॉग जाएगा और उसी शाम में उन लोगों को गिफ्ट मैं दूंगी। तो ऐसा है, तो साड़ियाँ कैसी लगी जरूर बताना। और मैं नजदीक से नहीं बता पाई क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो गया और मैं बहुत थक गई हूँ। मैं लाके सारा जो भी थैला था ना, मैंने बड़े से जंबो बैग में वो सब कुछ डाल के अंदर अभी बेडरूम में रख दिया है, और ब्लॉग काफी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैंने सेपरेटली अभी वो नहीं बताया। अगर पॉसिबल हुआ तो कल बता दूंगी कौन सी साड़ी किसको दे रही हूँ मैं, ठीक है। और तेल डाला है उस मैंने बाल में, तेल डाला है। और हाँ, ये जो कल जो पार्टी है मेरे घर में, ये सिर्फ फर्स्ट पेमेंट के आने की खुशी में है, ना कोई बर्थडे है उज्मा का, ना कोई दूसरा। और हालू, हाँ हाँ हालू, हम लोग है ना बारिश में थोड़ा भीग गए ना, तो बाल सुखाने के लिए खुला रखा है मैंने, तो कोई बर्थडे नहीं है। बर्थडे तो 16 जुलाई को है उज्मा का। कल तो ऐसे ही सबको मेरे हाथ की बिरयानी खानी थी, तो मैं बस बिरयानी बनाऊंगी और मामू के घर वाले और मेरे घर वाले आएंगे, खाएंगे। और जो जो मेरे YouTube से YouTube को लेके खुश है, जो मेरी खुशी में खुश है, उनके लिए मैंने गिफ्ट खरीदे जो कल मैं उन लोगों को दे दूंगी। और रही बात अब्बा भाइयों के लिए, कुछ नहीं खरीद पाए क्योंकि टाइम की शॉर्टेज, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सरप्राइज रियाज और अब्बा के लिए क्या लूँ, तो अभी तक नहीं समझ में आया क्या लूँ। तो मैं एनवेलप दे दूंगी, उन लोगों को बोला है कि, बोला नहीं है एक्चुअली, बोल दूंगी कि भाई तुम अपने पसंद का कपड़ा ले लेना और पेन लेना प्लीज उज्मा के बर्थडे पे। ये मेरे दिल की खुशी थी जो मैं फर्स्ट पेमेंट के साथ करना चाह रही थी, जो मैं कर चुकी, कर दूंगी इंशाल्लाह कल। तो कल का ब्लॉग देखना भूलना मत, और पॉसिबल हुआ कि मेरी बिरयानी में कैसे बनाती हूँ तो वो रेसिपी मैं अलग से डाल दूंगी, अदरवाइज कल का ब्लॉग देखना भूलना मत, ओके। चलिए फिर मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, उज्मा लाइक करो, बोल दो। अरे 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 अरे, उज्मा का बुड्ढा कैसा लगा, उज्मा ला के दिखाओ, पिंकी पिंकी बैठी है वहां पे। उसका नाम है पिंकी, उज्मा ने रखा उसका नाम पिंकी। उज्मा बता दो जल्दी से, पिंकी, ये पिंकी। पिंकी को कपड़ा पहनाए क्योंकि वो गंदी ना हो जाए इसके लिए, है ना उज्मा। चलो लाइक करो, बोलो लाइक करो, ए पिंकी लाइक करो, बोलो पिंकी लाइक करो। नहीं बोल रही है, मार उसको, मार उसको, नहीं बोली लाइक करो, तू बोल दे लाइक करो।
अम्मी को दो, डिश भी दे दी तूने, अम्मी को भी दो, नहीं देगी चलिए फिर मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग के साथ। कल का व्लॉग देखना भूलना मत, मैंने अपनी फर्स्ट पेमेंट के साथ ये किया, मैंने अपनी खुशी को इस तरह से जाहिर किया। बाय बाय पिंकी, बाय बोल रही है, अल्लाह हाफिज। कैसे अल्लाह हाफिज? पिंकी ने पगड़ी पहनी, पिंक पिंक मैं अभी इतना चलिए, अल्लाह हाफिज। Bye. Bye.